वेस्ट बंगाल रोज वैली चिटफंड घोटाले में शाहरुख खान की कंपनी के बैंक खाते सीज। आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज संवाददाता जागरण द्वारा। कोलकाता बहुत चर्चित रोज वैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड KRSPL के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। KRSPL IPL की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के मालिकाना हक वाली रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट से संबंध है, जिसके शाहरुख खान आवरधक हैं। KRSPL के निदेशकों में उनकी पत्नी गौरी खान, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला, उनके पति जय मेहता और KKR के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकय मशहूर शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर माह में ईडी रोज वैली घोटाले में वी के मशहूर से पूछताछ की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक रोज वैली ग्रुप के बैंक खातों से KRSPL को भुगतान किया गया था। दूसरी तरफ KKR से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इसका शाहरुख और उसकी पत्नी गौरी से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने कार्रवाई का कुल 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। KRSPL के अलावा कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज और मल्टीपल रिसॉर्ट के भी बैंक खाते सीज किए गए हैं, जिसमें कुल जमा राशि 14.2 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके साथ ही ईडी ने कुल 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इसमें ऐसी कई अन्य कंपनियां शामिल हैं जिन्हें कथित तौर पर रोज वैली से रुपये लिए थे। जी दोस्तों, इस वक्त स्टार शाहरुख खान की ऊपर कुछ ऐसी साणसती चली हुई है जो रोज वैली का ग्रहण इनके ऊपर भी लग रहा है और मंडरा रहा है। लगता है कि शाहरुख खान का भी इसमें बोरिया बिस्तरा गोल नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं।